Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Friends, आप English सीखना चाहते हो? सचमुच English सीखना चाहते हो? अगर आप सचमुच English सीखना चाहते हो तो हमारा क्लास रोज का अटेंड करो. स्टेप बाय स्टेप हमारी क्लासेज हैं और आप रोज का क्लास अटेंड करो. मैं वादा करता हूँ कि आप अगर आपने रोज का क्लास हमारा अटेंड किया तो एक दिन आप English बोलना ज़रूर सीखोगे. ये मेरा वादा है आपसे. तो फ्रेंड्स, Today I am going to teach you about the degree. एक बार पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको डिग्री के बारे में, बट आज हम रिविज़न करेंगे उसका. कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है काफ़ी देर तक, समझ में नहीं आता है, तो मैं वो कंसेप्ट आज क्लियर कर दूँगा एक साथ तीनों डिग्री को बताकर. ठीक है फ्रेंड, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तीनों डिग्री के बारे में आपको बता दिया है, अच्छी तरह से समझा भी दिया है और होमवर्क भी दिया था, सेंटेंसेस भी दिया था बनाने के लिए. शायद आप बनाते होंगे, नहीं भी बनाते होंगे, मुझे क्या पता. आप कमेंट में तो कुछ लिखते हो नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा. कमेंट लिखो यार, कमेंट दो, कुछ ना कुछ कमेंट करो. तो चलिए हम आज एक एक करके इन चीज़ों को, इन तीनों डिग्री को समझते हैं. बहुत ईजी है. देखिए, पहले हम पॉजिटिव डिग्री का एक सेंटेंस लेंगे. वह उतना ही लंबा है जितना राम. दिस इज पॉजिटिव डिग्री. तो ही इज एज टॉल एज राम. अब हम लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री. वह राम से लंबा है. वह राम से लंबा है. तो ही इज टॉलर देन राम. आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको सेंटेंसेस को समझना है कि ये सेंटेंसेस क्या कह रहे हैं. उससे आपको समझना है कि कंपैरेटिव है, पॉजिटिव है या सुपरलेटिव है. तो वह उतना ही लंबा है जितना राम. ही इज एज टॉल एज राम. वह राम से लंबा है मीन्स पॉजिटिव डिग्री में हम दोनों को बराबर बताते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको. और कंपैरेटिव डिग्री में हम किसी दो की तुलना करते हैं, एक को कम या ज़्यादा बताते हैं. इस तरह के सेंटेंसेज आए तो आप समझ जाना कि कंपैरेटिव डिग्री है, मीन्स कंपेयर किया जा रहा है इसमें. तो ही इज टॉलर देन राम. और कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में ईआर लगाएंगे, उसके बाद देन जरूर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट. अभी सुपरलेटिव. वह सबसे लंबा है. वह सबसे लंबा है. तो ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल. सिंपल है. सुपरलेटिव में हम सबसे वर्ड जरूर आएगा, तब आप समझ जाना कि सुपरलेटिव है. काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के कि सुपरलेटिव कौन सा है, कंपैरेटिव कौन सा है. तो सबसे वर्ड जिस सेंटेंस में आएगा ना, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे काला, सबसे गोरा, ये सबसे शब्द आएगा ना, तो उसको समझ लेना आपकी सुपरलेटिव है. फिर उसको सुपरलेटिव क्या करते हैं, यहाँ पर ईएसटी लगाते हैं एडजेक्टिव में, ईएसटी लगाते हैं. और एडजेक्टिव से ठीक पहले हम द का इस्तेमाल जरूर करेंगे. सुपरलेटिव में एडजेक्टिव से ठीक पहले हम द का इस्तेमाल जरूर करेंगे. ठीक है फ्रेंड, अभी हम लेते हैं कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस. जैसे राधा उतनी ही सुंदर है जितनी सीमा. राधा उतनी ही सुंदर है जितनी सीमा. तो राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सीमा. ठीक है, अभी मैंने ये ब्यूटीफुल शब्द क्यों चूज किया है आपको बताने के लिए कुछ. तो अभी हम कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे. राधा सीमा से सुंदर है.
राधा सीमा से सुंदर है, तो राधा इज अभी ब्यूटीफुल है। तो मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव में ईआर लगाते हैं, तो यहाँ पर हम ईआर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? अभी आप बोलेंगे कि अरे भाई एक बार बोलते हो ईआर लगाना है, फिर बोलते हो ईआर नहीं लगाना है, ये क्या क्या चक्कर है? तो चक्कर यही है कि ब्यूटीफुल इज द लॉन्ग वर्ड्स, मीन्स जो भी लंबा वर्ड है ना, लंबा वर्ड जैसे ब्यूटीफुल की तरह इंटेलिजेंट, फेमस, इफेक्टिव, ये फरोशस, मीन्स इस तरह के इंटरेस्टिंग, इस तरह के वर्ड्स, लंबे लंबे वर्ड्स आते हैं ना, उसमें ईआर या ईएसटी लगा कभी नहीं लगाते हम डिग्री बनाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव के लिए मोर का इस्तेमाल करते हैं, मोर ब्यूटीफुल देन। देन तो लगाना ही है, मस्ट है, देन जरूर लगाना है, देन सीमा, ठीक है। अब हम सुपरलेटिव डिग्री लेते हैं, राधा सबसे सुंदर है, सुंदर है, राधा सबसे सुंदर है, तो सबसे आ गया इसमें, तो राधा इज द। अब यहाँ पर भी हम ब्यूटीफुल में ईएसटी नहीं लगाएंगे, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोलते हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह के वर्ड्स के लिए जो लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। ऑफ ऑल आप नहीं भी बोलेंगे तो चलता है, राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा बोलना कि चलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि जो भी लंबे वर्ड्स होते हैं, थोड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, मतलब 5-6 लेटर से ज़्यादा उसमें हो गए, तो समझ लेना कि उसमें आप ईयर यार या ईएसटी नहीं लगाना है। कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें मोर लगाना है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें मोस्ट लगाना है, ये आप याद रखना, ठीक है फ्रेंड। और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका हम डिग्री चेंज करने के लिए ईआर या ईएसटी नहीं लगाते, मोर मोस्ट भी नहीं लगाते, बल्कि उसका कुछ और ही होता है, वो भी हम आपको लिखकर बताते हैं सारा का सारा, आप इनको अच्छी तरह से लिख लेना फ्रेंड्स। ये सारे वर्ड्स हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री, सर यहाँ पर कंपैरेटिव लिखना है, मैंने इंपैरेटिव लिख दिया है, COM कौन, जिनका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल अलग अलग होता है। हम कंपैरेटिव डिग्री में ईआर नहीं लगाते हैं और कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी नहीं लगाते हैं। ऐसे वर्ड्स हैं जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटल, लेस, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, फार, फर्दर एंड फर्देस्ट, लेट, लेटर, लेटर, लास्ट, लेटेस्ट। मैंने एक इसलिए लिखा, इसमें ई आर एस टी लगा है, बट इसलिए लिखा कि इसका अलग भी होता है कुछ, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो आप इन वर्ड्स को अच्छी तरह से लिख लो और देख लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।